कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट आया है, जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने निकाला है, ये क्या था? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही तो प्रॉफिट था। उसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स मिक्स हो रखे हैं बस, राइट? नेट प्रॉफिट में क्या था? ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग खर्चे और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे भी इन्वॉल्व थे। उसके बेस पे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया था, हमने 11th क्लास के अंदर किया था, ठीक है? अब नेट प्रॉफिट आपके पास ये, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में, तो बेटा प्रॉपर वीडियो डाली हुई है इसकी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार देखिएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग हमारे पास प्रॉफिट आया है, ये कहाँ से आया था? जो भी हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था सेल के थ्रू, उसके बाद में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया था नेट प्रॉफिट वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसमें कोई एक्स्ट्रा इनकम थी, जैसे कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन सारी इनकम को ऐड कर दिया गया था। दूसरी तरफ हमने सारे खर्चे जो थे उनको हम वहां पे लिख दिया था, सैलरी दी और एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हुए, प्रिंटिंग खर्चे हुए, हमारे सेल्स से रिलेटेड खर्चे हुए, डेप्रिसिएशन लगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह वगैरह, मैनेजर का कमीशन वगैरह वगैरह, सब हमने टू साइड में लिखे थे। याद आ रहा है कुछ? 11th का है ना। तो वो सारा निकलने के बाद में हमारे पास क्या आया था? नेट प्रॉफिट, ठीक है? तो मतलब हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड सारे खर्चे, सारी इनकम तो इसमें इंक्लूड हो चुकी है, राइट? तो हमें यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू लेनी है वो लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर क्या? टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तुम निकाल चुके हो पहले ही, कैलकुलेट कर चुके हो, तो जो कैलकुलेट करके वैल्यू आई है उसको रखोगे यहाँ पे। समझ में आ गया? ठीक है। देन अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कुछ ऐसी इनकम थी जो कि खर्चे, या मतलब कुछ ऐसे आइटम थे जो कि इनकम की फॉर्म में या खर्चों की फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड तो हुए थे, लेकिन वो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं थे। जैसे कि कमीशन पे पैसा रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ था, तो रेंट आपका ऑपरेटिंग इनकम नहीं था। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जो बिजनेस के चीजों को सेल परचेज करके आप खरीद रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। अब आपकी जो फैक्ट्री थी वहीं पे एक रूम जो है, या एक छोटा सा एरिया, गराज वगैरह कुछ भी था, खाली पड़ा था, आपने उसको रेंट आउट कर दिया, फैक्ट्री में ही था, ठीक है? लेकिन उसको आप अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए काम में नहीं ले रहे हो, उसको क्या कर दिया आपने? रेंट आउट कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस इस फैक्ट्री से हमें ये भी इनकम हो रही है, बाय मतलब तू इसमें बाय रेंट करके दिखा दिया था, लेकिन वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं थी आपकी, है ना? फाइन। तो ऐसी ही कुछ इनकम या ऐसे ही कुछ खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हमें उन चीजों को यहाँ से हटाना है, उन चीजों को एडजस्ट करना है, रिवर्स करना है, ठीक है? अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी तो उसको हम माइनस करेंगे, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग खर्चा था तो उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है? तो पहली चीज जो हमें यहाँ पे एडजस्ट करनी है वो क्या करनी है? हमें यहाँ पे कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे सेटल डाउन करने हैं, ठीक है? दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी है, वो बाद में करना है, समझ लो। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे करनी है, नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश इनकम। कुछ ऐसी भी इनकम या एक्सपेंसेस रही है जिनकी वजह से नेट प्रॉफिट इफेक्ट कर गया, लेकिन वो एक्चुअली उनकी वजह से कैश तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं था। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाया था आपने, चार्ज किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में, चार्ज किया था। आप सिंपल सोचो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, यहाँ पे सपोज आपका 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा था जो भी था, ठीक है? यहाँ पे आपने बाय साइड में एक रेंट भी दिखा रखा था सपोज 1 लाख रुपए का, डन। इस 1 लाख रुपए में आपने रेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं हम, डन। दूसरी तरफ आपने यहाँ पे कुछ डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रखा था जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपका कम आया था,
है ना। सपोज डेप्रिसिएशन आपने 50,000 का दिखा रखा था, तो यहाँ पे कितना आ रहा है फिर आपका नेट प्रॉफिट 10,50,000 का। जबकि अगर ये डेप्रिसिएशन नहीं होता तो आपका कितना प्रॉफिट होता, 11,00,000 का। तो प्रॉफिट कम हो गया ना डेप्रिसिएशन की वजह से, हुआ या नहीं, होता या नहीं होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन के नाम पे कौन से आपके पैसे खर्च हुए भाई? क्या डेप्रिसिएशन के नाम पे पैसे खर्च होते हैं? तो ये तो नॉन कैश नेचर का खर्चा तो है, एक्सपेंडिचर तो है। इस एक्सपेंडिचर की वजह से ये प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट आया है, लेकिन वो कैश तो हाई नहीं, कैश तो कभी नहीं गया, तो वो तो हमें वापस यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं? तो अभी हमें ऑपरेटिंग के लिए बेसिकली क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लेंगे और उसमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे या इनकम है उनको रिवर्स करेंगे, नॉन कैश नेचर के जितने भी खर्चे या इनकम है उनको रिवर्स करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं नॉन कैश एंड नॉन हाँ जी, ये मेरा फोन रिंग कर रहा है। चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं कौन कौन से आइटम हम ऐड कर रहे हैं, ऐड क्या क्या करना है, ऐड नॉन कैश क्या क्या ऐड करो बता दीजिए, नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, अब बता दो कौन कौन से होते हैं। ये समझ में आ गया, नॉन कैश क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, पीएनएल के टू साइड में चार्ज किया था, याद आ रहा है दिया था ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा ऑपरेटिंग नेचर का था भाई, कौन से नेचर का था, कैपिटल से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग हो गया ना, ये खर्चा था लेकिन ये ऑपरेटिंग नेचर का नहीं था, कैसे नेचर का था, फाइनेंसिंग नेचर का, इसलिए उसे यहां से रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ ये माइनस हुआ है प्रॉफिट में से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड कर। समझ में आ गया कौन कौन से, जो कि नॉन कैश नेचर के खर्चे थे जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, या फिर नॉन ऑपरेटिंग नेचर के थे, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के फाइनेंसिंग हो सकते हैं या इन्वेस्टिंग नेचर के हो सकते हैं, उनको रिवर्स बैक करना है। अब एक एक करके बता दो जरा, नॉन कैश कौन सा है, नॉन कैश सबसे पहला तो ठीक है, डेप्रिसिएशन तो क्या करोगे, खर्चा था, खर्चा था, अब क्या करोगे वापस एड बैक कर दोगे, राइट। और कोई खर्चा तुम्हें नजर आ रहा है सब जो यहाँ पे हो सकता था? नेक्स्ट आपके पास अगर हम गुडविल या पेटेंट की बात करें, तो उसपे अगर कोई भी चीज हमारी एमर्टाइजेशन, अगर उसमें कोई भी हमारा एसेट कम हुआ है, जैसे कि अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, राइट। पहले पिछले साल ये 10,00,000 की थी, इस साल इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, इस बार 9,00,000 की है तो वैल्यू कम हो गई, तो ये 1,00,000 का क्या दिखाया आपने, डेप्रिसिएशन, राइट। सिमिलरली जब इनटेंजिबल एसेट्स पे, इनटेंजिबल एसेट कौन कौन से होते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है आपके इनटेंजिबल नेचर के फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो जब इनटेंजिबल एसेट्स में की वैल्यू में फॉल आता है तो उसको हम एमर्टाइजेशन कहते हैं, समझ में आ गया। तो अगर किसी तरह का कोई एमर्टाइजेशन यहाँ पे हो रहा है तो ये एमर्टाइजेशन भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, समझ में आ गया। और ये एमर्टाइजेशन किससे रिलेटेड है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, डन। चलिए और क्या चीज हो सकती है, कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने सेल कर दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट था, पुरानी फर्नीचर, पुरानी मशीनरी, पुराना कुछ भी बेच दिया और उसको बेच के आपको हो गया लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं पता है ना, आगे निकालना है, डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो वहां पे आपने कोई भी मशीनरी जब आप सेल कर रहे थे तो उसपे होने वाला लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, ऐसा ही कुछ यहाँ भी आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लॉस हुआ है डायरेक्टली दे रखा, डायरेक्टली, समझ में आ गया क्लियर।
और आपके पास किसी तरह का अगर कोई इंटरेस्ट पे किया गया है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जो भी डिबेंचर्स है, आपने कोई डिबेंचर इशू कर रखे हैं उस पे आपने कोई इंटरेस्ट पे कर रखा है, तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो इसी तरह के कोई भी खर्चे हैं, देख लो अपनी बुक पे एक बार नजर मार लो, सारे कौन कौन से हैं ये, डेप्रिसिएशन, एमर्टाइजेशन, इंटरेस्ट कोई बैंक ड्राफ्ट पे या किसी पे कोई इंटरेस्ट पे किया गया है, बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे भी अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट किया गया है, ठीक है, देन अंडरराइटिंग कमीशन किसी को दिया है, समझ में आ गया, अंडरराइटिंग कमीशन, क्लियर है आपको, अंडरराइटिंग कमीशन के नाम से ही ये वर्ड दिया जाएगा, राइट। देन कोई लॉस हुआ है आपको फिक्स एसेट पे, आपने कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है, ये याद रखना, प्रीमियम की बात हो रही है, पूरे रिडम्पशन की बात नहीं हो रही है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। रिडम्पशन का मतलब क्या है ये पता है, प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर के नाम पे पैसा मंगाया था, ठीक है, अब उसके रीपेमेंट करने का टाइम आ गया, देन पूरा अमाउंट पे किया जा रहा है, दैट इज रिडम्पशन। लेकिन रिडम्पशन अगर हो रहा है तो वो कहां पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वो यहां नहीं आएगा। रिडम्पशन के रिगार्डिंग अगर प्रीमियम दिया है तो वो प्रीमियम ही मान, 5% का, 10% का, जितने का भी प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम ही आएगा, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्लियर। ये याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, रिडम्पशन तो था मैम वहां पे दे रखा था बुक में, फिर ना क्यों नहीं लिया, तो रिडम्पशन नहीं ले रहे, रिडम्पशन पे दिया जाने वाला प्रीमियम ले रहे हैं, क्लियर है, डन। ये बहुत ही, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे इन चीजों को, इन सारे आइटम्स को, तो बहुत कंफ्यूज कर देगा ये चैप्टर, और अगर ये छोटी छोटी चीजें समझ लोगे, क्यों ये चैप्टर आई, ये बुक जो स्टार्ट हुई थी आपकी, ये छोटे छोटे आइटम क्यों स्टार्ट हुई थी, पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये ही बताया गया था कि ये टॉपिक इस हेडिंग के अंदर आता है, इसको ये कहते हैं, इसको करंट लायबिलिटी कहते हैं, इसको फिक्स्ड एसेट कहते हैं, यही सब समझाया था ना, कोई चीज नहीं समझाया, ताकि यहाँ पे आके कंफ्यूज ना हो, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आप वापस एड बैक कर देते हो, इन्हीं के ही अपोजिट, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इनकम भी तो हो सकती है, बेच के प्रॉफिट भी तो हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में उन चीजों को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, एमर्टाइजेशन, तो ठीक है जितने में बिक रहा है, राइट। यहाँ पे क्या है, लॉस, लॉस ऑन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्या कहेंगे, अगर किसी तरह का कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट को बेच के प्रॉफिट भी तो हो सकता है, समझ में आ गया, अगेन बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट आएगा, फिक्स एसेट 20 लाख का बेचा है, 18 का था, तो प्रॉफिट 2 लाख है, तो यहाँ 20 नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 2 लाख आएगा जो प्रॉफिट है, ठीक है, समझ में आ गया। कैश का इनफ्लो कितने का हो रहा है, भाई साहब 20 लाख का हो रहा है कैश का इनफ्लो, एसेट 18 लाख का एसेट बेचा है, 20 लाख का हो रहा है, ठीक है, तो 20 लाख रिकॉर्ड नहीं होगा, क्या होगा, 2 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रीमियम था, रिडम्पशन की बात नहीं कर रहे, रिडम्पशन पे देने जाने वाले प्रीमियम की बात कर रहे, ठीक है जी, क्लियर। सिमिलरली आपको कोई रेंटेड इनकम, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, ऐसे ही कोई रेंट इनकम हो गई है फ्रॉम बिजनेस, रेंट इनकम, इनकम क्या थी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए माइनस कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या माइनस कर रहे हो, आप क्या क्या माइनस करते हो, नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश, चल रहा है नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आप यहाँ पे माइनस करते हो, क्लियर है। यहाँ पे क्या प्लस किया था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डन, क्लियर। कुछ लोगों की शक्लें तो ऐसी हो रही है कि मैम बस इसमें वो नाइट दिख रहा है, ये रेड वाला मार्कर,
और कोई ऑप्शन है? देख लीजिए अगर ये चल रहा है, ठीक है चलिए अब देख लो उसके अंदर क्या क्या है आपके पास। कुछ डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अगर हो रही है ठीक है, डिविडेंड इनकम की बात कर रहे हैं। ये डिविडेंड इनकम कौन से एक्टिविटी से रिलेटेड है? अगेन फाइनेंसिंग, क्योंकि आपने किसी का शेयर अच्छा नहीं, इन्वेस्ट नहीं आपने। तो इस तरह की कुछ इनकम है। और एक और चीज आपके पास कई बार आती है, जो आपने डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजंस बनाए हुए थे, तो आपने कई बार देखा होगा कि हम यूजुअली प्रोविजन एक्स्ट्रा बना देते हैं पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, डन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आए थे जहां पे प्रोविजन घट रहा था। पहले आपने 10,000 का बनाया हुआ था, अब कुछ जो भी बैड डेट हुए, जो भी एडजस्टमेंट हुई, फिर 5% आपको न्यू प्रोविजन बनाना था। इस तरह से करके प्रोविजन में कुछ चेंज आया था। और प्रोविजन जो है अब की बार सपोज 5% बनाना था, तो मेंटेन जो है वो आपको अभी सिर्फ 8,000 करना है, तो 2,000 का प्रोविजन आपका बच गया, फॉल आ गया प्रोविजन में। तो अगर कुछ प्रोविजन में फॉल हुआ है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर किस तरह की कुछ सिचुएशंस आपको दी गई है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो आपके लिए इनकम है ना, फायदा हुआ ना। इधर ही तो लिखे थे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे था ना डिक्रीज। तो इस तरह की चीजें आपकी सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोली जाती है, और उनको यहाँ पे आप माइनस करके हो डन। जब आप इस तरह की चीजें यहाँ पे प्लस और माइनस कर देते हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, बिफोर। अभी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हुई है, अभी इसमें दो फेज और चलेंगे, तब जाके निकल के आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अभी आपका क्या है, ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है आज तक? आज आप इतना ही करो, ज्यादा पूरा झेल नहीं पाओगे। बच्चों वो फिल्म बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। Thank you for watching. Keep watching, keep learning, and don't forget to share. Keep sharing. Thank you.